हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे पापा आज घर पे बनाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो अपने अपने घर पे भी ये चीज़ बना सकते हो। अगर आपको ऐसे ही किसी और रेसिपी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना अगला वीडियो उस रेसिपी के बारे में बनाऊँ। अब चलिए देखते हैं कि आज पापा कैसे बनाते हैं ओट्स के पकोड़े। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी बनाने के पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स को पहले पता करना पड़ेगा, उसका जानकारी पहले ले लीजिए। मैं आज ओट्स का पकोड़ा बनाने के लिए जा रहा हूँ। ओट्स का पकोड़ा के लिए पहले ओट्स का एक पैकेट ले लीजिए, इसके बाद बेसन ले लीजिए 100 ग्राम बेसन, उसके बाद प्याज, उसके बाद अदरक, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता और करी लीव्स, उसके बाद हरी मिर्ची थोड़ा। और इसको अच्छी तरह बनाने के लिए हमारा घर पे बनाया हुआ होममेड मसाला हम लोग थोड़ा मैं घर पे बनाया हुआ और नमक आपका स्वाद का हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आप मिनरल वाटर ले लीजिए, एक मिनरल वाटर सेहत के लिए अच्छा है, आप नल का पानी मत यूज करिए बस। और आपको चटपटी चाहिए तो उसके चटपटी मसाला भी आप मिला सकते हैं, तो अब आपको बताएंगे तो वो कैसा बनाने का प्रणाली आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए।